दोस्तों, यूं तो आपने बहुत तरह की वेब सीरीज देखी होंगी, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वेब सीरीज मानी जाती है, और इन सभी सीरीज को रिलीज की गई है 2024 में। लेकिन दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में कुछ ऐसी भी वेब सीरीज है जो कि आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन सीरीज में कुछ ऐसे छोटे मोटे दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जो कि आप अपने परिवार के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग वेब है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 8, आयरन रिंग। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। सीरीज की शुरुआत होती है एक सी पोर्ट से, जहां पर बहुत सारे इलीगल कामों को अंजाम दिया जा रहा होता है। लेकिन इसी बीच अचानक से ही पोर्ट के मालिक के ऊपर एक जानलेवा हमला होता है। लेकिन बाद में जो वो ठीक हो जाता है, वो किसी भी तरह से उस इंसान को ढूंढ के निकालना चाहता है जो कि उसे मार देना चाहता है, और लास्ट तक वो अपने इस मकसद को किस तरह कामयाब करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है, और इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 7, बैंडिटोज। सीरीज बेस्ड है एडवेंचर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है कुछ ऐसे लोगों से जो कि एक ट्रेजर हंट के लिए निकलते हैं, और लास्ट तक इस ट्रेजर हंट को वो किस तरह अंजाम देते हैं इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कंप्लीट सीरीज। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है, इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इस सीरीज को हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। नंबर 5, रेड क्वीन। सीरीज बेस्ड है फैंटेसी एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। सीरीज की शुरुआत होती है एंटोनी से, जो कि अचानक से ही रेड क्वीन बन जाती है। इसी बीच वो एक पुलिस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर देती है, और लास्ट तक वो इस काम को किस तरह खत्म करती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये कम्प्लीट सीरीज। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। सीरीज चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। नंबर 5, सुपर एक्स। सीरीज बेस्ड है रोमांस एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। सीरीज की कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सीरीज की कॉन्सेप्ट रोको शिफ्ट के कंप्लीट लाइफ को दिखाती है कि किस तरह उन्होंने पी इंडस्ट्री में ज्वाइन किया और अपने आप को पी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाया। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। सीरीज हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखे तो ठीक है। नंबर 4, क्रिमिनल रिकॉर्ड। सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सीरीज आपको ले जाती है लंदन, जहां पर आप बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को देखने वाले हैं। यानी कि ये सीरीज उन्हीं लोगों के बारे में दिखाती है जो कि अच्छे खासे क्राइम को अंजाम दे चुके होते हैं, और इन सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का क्या होता है, और लास्ट तक इन सभी क्रिमिनल्स को किस तरह सजा मिलती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये पूरी सीरीज। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं एप्पल टीवी प्लस पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.1। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। नंबर 3, कॉन्स्टेलेशन। सीरीज बेस्ड है एडवेंचर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। सीरीज की शुरुआत होती है अचानक से ही स्पेस स्टेशन में एक गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से एक एस्ट्रोनॉट जो कि अर्थ पर फिर से बैक करना चाहती है, और लास्ट तक वो अपनी इस जर्नी को किस तरह कंप्लीट करती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये पूरी सीरीज। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं एप्पल टीवी प्लस पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7। सीरीज अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। नंबर 2, एक्सपेक्ट्स। सीरीज बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट बड़ी ही सिंपल है। ये सीरीज एक्चुअल में चार डिफरेंट लाइफ को दिखाती है, और ये चारों ही डिफरेंट लाइफ किस तरह कनेक्ट होती है इसी के ऊपर बेस करके बनाई गई है ये पूरी सीरीज। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। इसे हो सके तो आप अपने फैमिली के साथ ना ही देखें तो ठीक है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। नंबर 1, मास्टर्स ऑफ द एयर। सीरीज बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज रिलीज की गई है 2024 में। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये सीरीज आपको ले जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर, जहां पर यूनाइटेड स्टेट आर्मी की एयरफोर्स को ये पूरी सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है कि एयरफोर्स डिपार्टमेंट का असल में क्या भूमिका था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और ये सारी की सारी चीजें इस पूरे सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज चाहे तो आप देख सकते हैं एप्पल टीवी प्लस पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। सीरीज फिलहाल सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और इसे चाहे तो आप अपने फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।